बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। भाजपा के मेरठ शहर प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा को मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जगह जगह उनका भव्य स्वागत हो रहा है। लोगों के दिलो दिमाग में यह बात भी बैठने लगी है कि यदि प्रदेश में कानून का राज चाहिए और बहु बेटियां घर व बाहर सुरक्षित रहें तो भाजपा को जिताना एकमात्र विकल्प है। आज फर्स्ट बाइट टीवी संवाददाता शिवानी ने खंडक बाजार में तमाम ऐसे लोगों से बात की, आइए देखते हैं। मेरा नाम अजय गुप्ता है, अध्यक्ष पार्षद का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, प्रदेश की जनता ने 5 साल का योगी जी का काम देखा है, कानून व्यवस्था को देखा है, विकास को देखा है, लोगों में एक विश्वास जागृत हुआ है कि प्रदेश उन्नति की ओर जा रहा है, लोगों को सम्मान मिल रहा है, व्यापारी को उसका व्यापार मिल रहा है और सब बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रही है। तो ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ उन्हें सरकार बनाने जा रही है। ये आप देखिए, जिस बाजार में हम खड़े हैं यह कितना उत्साह व्यापारियों में है। ये पूरे प्रदेश में यही नहीं, पूरे प्रदेश में व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था और आज भी कंधे से कंधा मिला के वो तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 100% ये सीट पिछली बार किसी कारण से हम हारे थे। अपने जिले में 7 सीटें थी, 6 हम जीते थे, शहर विधानसभा हम हार गए थे और बहुत थोड़े मार्जिन से हारे थे। लेकिन उस वक्त सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी का उनको समर्थन था, तो जो वोट उनका था, अब की बार सब अलग अलग लड़ रहे हैं, सबका वोट डिवाइड होगा और निश्चित तौर पर जो हमने काम किया है, हम अपने काम को लेकर, हमारा प्रत्याशी ने दिन रात जनता के बीच में कोरोना काल रहा हो या और भी कोई सुख दुख रहा हो, हमारा कार्यकर्ता, हमारा प्रत्याशी जनता के बीच में खड़ा रहा, व्यापारी के बीच में खड़ा रहा, बहन बेटियों के बीच में खड़ा रहा। तो हमें निश्चित तौर पे हम बड़े बहुमत से, भारी बहुमत से अब की बार शहर विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं हैंडलूम बस व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। देखिए, चुनाव प्रचार की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी गति से चल रही है और सभी शहरवासी भाजपा के साथ हैं और एक तरफ एक मत होकर कमल को जिताएंगे और कमल दत्त शर्मा ही भाजपा का विधायक बनेगा शहर से। देखिए, कमल हमेशा जनता के साथ खड़ रहा है और हमेशा युवाओं को सपोर्ट करता आया है, तो आज पूरा युवा उसके साथ है क्योंकि युवा मोर्चा का 2 बार कमल दत्त शर्मा हमारे अध्यक्ष भी रह चुका है, तो उनकी युवा टीम बहुत अच्छी है और हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलते हैं, तो सभी शहरवासी उनका प्रेम करते हैं और सभी उनके साथ हैं। देखिए, अखिलेश ने और जयंत चौधरी ने यह गठबंधन ही ठगबंधन बनाया है, ये आज तक लोगों को ठगते आए हैं और आगे भी ठगेंगे। सबको पता है इनके सरकार में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, माँ बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी, रोज चैन स्नैचिंग होती थी, लेकिन आज योगी सरकार में पूर्णतः शांति है, तो कुछ नहीं है, अखिलेश सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, ना गठबंधन की सरकार बनेगी, भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत साथ आएगी। मेरा नाम पीयूष शास्त्री है, मैं मेरठ महानगर में भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री का दायित्व मेरी हो रहा है। मेरा यह मंतव्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी आई हैं वो हमेशा सेवा कार्यों के लिए जानी जाती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर में भी अपने सेवा कार्यों के लिए अलग स्थान पाती है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सेवा कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में, बहुमत सिद्ध कराने में कामयाब होंगे। एक्चुअल में ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये प्रदेश के अंदर शासन सत्ता में अपने सुख भोगने के लिए आते हैं, जनता को ठगते हैं। जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, उन्हें बहुमत नहीं दिया, ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जो जनता को ठगने का काम करने वाले थे, इसीलिए लोगों ने उसे ठगबंधन नाम दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन या ठगबंधन जो भी जनता कह रही है वो कामयाब होने वाला नहीं है।
जनता जानती है कि उनके सेवा कार्यों के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए कौन राजनीतिक दल उनके पीछे है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई और दल दिखाई नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत और पूर्ण समर्थन करने वाली है। मेरा नाम दलजीत है। महामंत्री संयुक्त व्यापार संघ ये वो संगठन है जो व्यापारियों के हितों की लड़ाई को पिछले 28 वर्षों से लड़ रहा है, और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापारियों के बीच ही अपील करने आए हैं कि व्यापारियों की एकमात्र हितैषी पार्टी भाजपा है, आप उसके लिए मतदान की अपील करें। जी दलजीत जी, तो आपको क्या लग रहा है ये चुनाव का जो आपका प्रचार है ये शॉर्ट जा रहा है, आपको लगता है इस बार आप ये सीट जीतने वाले बीजेपी की पार्टी से? निश्चित रूप से पिछले 5 साल के शहर विधायक के कार्य को देखते हुए व्यापारियों ने बिल्कुल मन बना लिया है कि 7 सीटें योगी जी की गोद में डालकर प्रदेश में पहले से ज्यादा विधायकों की सरकार बनाएगी। जी, और जैसे गठबंधन भी हुआ है वो भी अपनी जीत का पूरा बोल रहे हैं कि वो जीतने वाले हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से उसको तो बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, उसका नाम गठबंधन है लेकिन उसके जो सहयोगी उस गठबंधन में जिसका नाम शायद क्या नाम है इनका हमारे लोकदल वालों का, जयंत चौधरी जी लोकदल से है ना, वो अपने आप को इस गठबंधन का, इस ठगबंधन का हिस्सा महसूस कर रहे हैं। सिवाल खास लोकदल की सीट और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। जी, और एक बात और है, जैसे कल अखिलेश यादव जी आए तो उन्होंने एक किसानों का मुद्दा उठाया है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो किसानों के लिए काफी कार्य करेंगे। किसानों के लिए जो काम योगी जी ने और मोदी जी ने कर दिया है वो इस भारत वर्ष में कोई ना करेगा ना कर सका है आज तक। उनके ही परिवार के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, उनके ही परिवार के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे, लेकिन आज तक उन्होंने किसानों के लिए नहीं कुछ किया। उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी बागपत के विधायक रहे, बागपत को दिल्ली की कनेक्टिविटी नहीं दे पाए, बागपत में शुगर मिलों के पेमेंट नहीं करा पाए, किस तरीके सांसद रहे वो, लेकिन उनका सिर्फ राजनीति से ओधा लेने से मतलब होता है, उनको कहीं कुछ लेना देना नहीं है। और ये गठबंधन नहीं, निश्चित रूप से ठगबंधन साबित होगा, और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो ये दिखाई दे जाएगा कि चौधरी जयंत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हुए नजर आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।